الرحيم. السلام عليكم. देखिए हम पढ़ते हैं पैराडॉक्सिकल. पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है पैराडॉक्सिकल वो जुमले होते हैं जो कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं. आधा जुमला कुछ आधा जुमला कुछ लेकिन उसकी मीनिंग्स ट्रू होती हैं. जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक आदमी 92 फरवरी में पैदा हुआ है तो 29 तारीख को अब वो अपनी 26वीं सालगिरह बना रहा होगा तो कहेगा मैं अपनी 7वीं सालगिरह बना रहा हूँ 7th. अब ये तो 26 साल का है, 7 साल का थोड़ी है. वो कहेगा क्या करूँ इस पूरे पीरियड में 26 साल में मेरी बर्थडे 7 दफ़ा आई है 29 फरवरी. तो उसकी बात तो सही थी. अच्छा स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? अब जबकि आपका जो माइंड होता है वो स्प्लिट थिंकिंग करे, खुशी के पे आप हंसने लगें, नहीं खुशी पे रोने लगें और रोनी बात पे हंसने लगें, तो आपके इसके लगेगी स्प्लिट थिंकिंग. ठीक है ना. ऑस्टिक बिहेवियर, ऑटिस्टिक बिहेवियर. ऑटिस्टिक बिहेवियर होता है जिसमें आप कोई भी इवेंट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे, नो रिएक्शन हो आपका, बिल्कुल यूं ही बैठे रहें, हंसने पे भी कुछ नहीं हंसे, रोने पे भी नहीं हंसे. और ऑटिस्टिक बिहेवियर बड़ी अच्छी बीमारी, अच्छी चीज़ नहीं है, बीमारी है. ऑप्टिमिस्टिक क्या है? हर वक्त आप पॉजिटिव सोचें. पैसिमिस्टिक क्या है? हर वक्त आप बुरी और नेगेटिव बातें सोचें. रियलिस्टिक क्या है? एक्चुअल बातें सोचें. यूटोपिया क्या है? आप ड्रीम वर्ल्ड, आप खुशफहमी कर रहे हैं कि अब ये अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हर बात यूँ कहें, किसी हद तक ये ऑप्टिमिस्टिक से मिलता जुलता है. डिस्टोपिया क्या है? हर वक्त आप ड्रीम करें हेल का, नहीं ये गलत हो गया, वो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. ठीक है ना. अच्छा फिर क्या डोपामाइन क्या है? डोपामाइन मतलब होता है जो हमारी बॉडी दिमाग के अंदर एक कंपाउंड होता है केमिकल्स का, वो रिएक्शन करता है. अगर ये डोपामाइन ज़्यादा हो जाए तो हम उल्टा सीधा सोचने लगते हैं, जैसे कहते हैं ना संजय दत्त कहते हैं दिमाग में लोचा हो गया है, केमिकल रिएक्शन. हेलुसिनेशन क्या होता है? आप फैंटेसाइज करें, डे ड्रीमिंग करने लगें. ठीक है ना. तो ये कहलाती है फैंटेसाइज का, डे ड्रीमिंग. आप देखें दिन में ख्वाब देखने लगें. पैरानॉइड क्या होता है? वहमी, वहमी हो जाता है. जैसे बेगम नहीं होती वहमी कि मियाँ बाहर गया तो ये गलत काम कर रहा होगा, किसी लड़की के चक्कर में होगा, ये वहमी कहते हैं इसको. ऐसे आदमी को हर वक्त वो नेगेटिव ही सोचते हैं. अच्छा पैरानोया का मतलब क्या होता है? पैरानोया जो है वो आप ये सोच फीलिंग होती है पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है और मेरे खिलाफ साजिश कर रही है. ठीक है. प्रोनोनिया इसका ऑपोजिट है. प्रोनोया माने कि आप ये सोचें कि पूरी जिंदगी में हर चीज़ मेरे लिए बनाई गई है और मेरे फ़ायदे के लिए काम कर रही है. पैरानोया जो है वो एक बीमारी है और प्रोनोया माने एक अच्छी चीज़ है, लेकिन दोनों की ज़्यादा गलत है. और यूटोपिया मैंने आपको बता दिया है. ठीक है ना. ये है आपके कुछ टेक्निकल वर्ड्स, आप इसको याद रखिएगा. डिस्टोपिया क्या है? डिस्टोपिया नेगेटिव है. यूटोपिया मैंने आप अभी सोचें ये कंसेप्शन के दुनिया जो है पैराडाइज है. ठीक है ना. हर ड्रीम ऐसे देखें और डिस्टोपिया में आप हमेशा नेगेटिव ड्रीम देखें. तो वाइफ डिस्टोपिया वर्ल्ड में रहती है, हम यूटोपिया वर्ल्ड में रहते हैं. ठीक है ना. समझ में आई बात या नहीं? तो ये जनरल वर्ड्स है बट टेक्निकली आप याद कर लें, काम आएंगे.